दोस्तों, इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े मजेदार सवाल जो आपके जीवन बचाएगी और हर बीमारी में आपको काम आएगी। तो चलिए कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। 3 मिनट की सिर्फ वीडियो है, आप लोग टाइम ऐसे भी गंवा देते हैं, तो चलिए 3 मिनट देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, बैंगन खाने से कौन कौन बीमारी शरीर में होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हरदम पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा की बीमारी होता है। बाद में चल करके कैंसर भी पकड़ने की संभावना रहता है कान में। इसीलिए दोस्तों लंबा वाला जो बैंगन होती है उसको नहीं खाना है। गोल वाला कभी खा लें तो खा लें, नहीं तो वो बैंगन नहीं खाने चाहिए दोस्तों, जीवन में भूल करके भी। सवाल नंबर 2, बंद गोभी खाने से कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न नहीं होती है और किस किस को आदमी को खाना चाहिए? दोस्तों विस्तार से जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है अस्थमा वाले को जो है बंद गोभी खाना चाहिए। अस्थमा की बीमारी नहीं होती है, समझिए कि टीबी की बीमारी नहीं होती है, शरीर में गर्मी रहती है, कैंसर जो है आंतरी में कभी नहीं पकड़ता है, इसीलिए बंद गोभी की सब्जी खाना चाहिए। फूल गोभी खाने वाले को बीमारी पकड़ती है। सवाल नंबर 3, लीवर में सूजन क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हरदम पाने के लिए दोस्तों, की सुंदर जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा अमरूद खाने के कारण जो है लीवर में सूजन हो जाती है, आंतरी में पानी हो जाती है। इसलिए खाली पेट अमरूद जीवन में कभी आप लोगों को नहीं खाना है। अगर आप लोग भूल चूक से खा लेते हैं तो उस समय नमक से ही खाएं दोस्तों। सवाल नंबर 4, मटर छेमी ज़्यादा किसको नहीं खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हरदम हर वक्त पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों अस्थमा वाले रोगियों को नहीं खाना चाहिए, टीबी वाले रोगियों को नहीं खाना चाहिए, जिन लोगों को फलेरिया की बीमारी है बायां पैर में उनको नहीं खाना चाहिए, और जिन लोगों को आँख दर्द करता होगा, ठंडी से कान में दर्द होगी, पी बाबता होगा, उनको नहीं खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 5, ज़्यादा प्याज किस मौसम में किसी भी आदमी को नहीं खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, अच्छा सुंदर जानकारी हरदम पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है ठंडी के मौसम में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ठंडी के मौसम में अगर प्याज खाते हैं तो तस्वीर ठंडा होता है उसकी, सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेगा, तो 5-7 दिन आप लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसीलिए न खाएं ज़्यादा मात्रा में, लहसुन खाएं ठंडी में। थैंक यू दोस्तों।